आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेरामिक टाइल्स के टाइप्स के बारे में, उसके बाद उस पे जो ग्लेजिंग करी जाती है उसके बारे में। तो टाइप्स कितने होते हैं बताएं, कौन-कौन से कॉमन टाइल्स कहाँ-कहाँ यूज किया जाता है, पेविंग, फ्लोरिंग एंड रूफिंग, और इनकॉस्टिंग टाइल। डेकोरेटिव टाइल ऑफ फ्लोर, सीलिंग एंड वॉल्स। ठीक है, तो बेसिकली दो तरह के टाइल्स होते हैं। कॉमन टाइल्स जो जनरली रोड के किनारे पेविंग करते हैं उसमें यूज किया जाता है, गार्डन में यूज किया जाता है, पार्किंग में यूज किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा जो स्लोपिंग रूफ्स होते हैं ना, कुछ जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है या स्नोफॉल वगैरह होता है, पर्टिकुलरली जहाँ बारिश होती है वहाँ पे रूफिंग टाइल्स बनाई जाती है, रूफ के ऊपर से लगाई जाती है। थैच्ड रूफ के ऊपर भी लगाई जाती है, सॉलिड रूफ के ऊपर भी लगाई जाती है, यहाँ तक कि आरसीसी के रूफ के ऊपर भी लगाई जाती है। पहले इसका ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा था रूफिंग टाइल्स का। अब चूंकि चीज़ें मिनिमलिस्टिक बनती हैं तो इसका यूज एप्लीकेशन कम हो गया है। अब बात करेंगे इनकॉस्टिक टाइल्स की। इनकॉस्टिक मींस, इसका मीनिंग क्या होता है पहले ये समझते हैं। इनकॉस्टिक टाइल उसे कहते हैं जिस टाइल में कलर मिक्स किया गया हो उसके रॉ मटेरियल में, मतलब जो क्ले है उसके अंदर हमने पहले ही कलरिंग कर ली। कलरिंग करने के बाद इसको बंद करा क्लीन के अंदर में, तो उससे तैयार होता है एनकॉस्टिक टाइल्स। एनकॉस्टिक टाइल्स जनरली डेकोरेटिव होता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा था, जो कि यूज होता है कहाँ कहाँ पे। जब मैंने खुद डेकोरेटिव बोल दिया तो उसमें आप सुन के बात नहीं कर रहे हो। डेकोरेटिव टाइल्स यूज्ड ऑन व्हाट? फ्लोर, सीलिंग, वॉल। सिंपल। तो बाथरूम में या किसी किसी भी जगह पे, फ्लोर पे, सीलिंग पे, वॉल पे यूज किया जाता है। इसमें तरह तरह के पैटर्न्स तैयार किए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न। ज्योमेट्रिकल पैटर्न के साथ साथ फ्लोरल पैटर्न, ठीक है, ये सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं इनकॉस्टिक टाइल्स के ऊपर। 3D प्रिंट में भी आता है ये, शेडो के साथ एक 3D प्रिंट का इफेक्ट दिया जाता है। अब हम बात करेंगे ग्लेजिंग की। ग्लेजिंग कितनी मोटी कोटिंग करी जाती है ग्लेजिंग करने के लिए? 0.1, 0.2, इससे प्लस भी हो सकता है। क्या मिलीमीटर? यस सर। सो विल हैव टू स्पीक कंप्लीटली। 0.1, 2.2 प्लस mm ग्लासी कोटिंग करी जाती है। कौन सी कोटिंग? ग्लासी कोटिंग। ग्लासी कोटिंग, इसीलिए इसको कहते हैं ग्लेजिंग। ग्लेजिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर ग्लासी कोटिंग करी जाती है। ग्लेजिंग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? अपीयरेंस के लिए, लुक के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए, इम्परवियस बनाने के लिए। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एटमोस्फेरिक एक्शन, तो स्मूथ सरफेस पानी के लिए किया जाता है। मींस ग्लेजिंग के बिना आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी हम कंस्ट्रक्शन बना कर रहे हैं वो अधूरा है। समझ गए मेरी बात? तो ग्लेजिंग का पर्पस ये है। अब ग्लेजिंग के टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, बताइए। टाइप्स होते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग एंड ओपेक ग्लेजिंग। ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग किसको कहते हैं? लाइक अ ग्लास। और ओपेक ग्लेजिंग? लाइक अ इनामेल्स। अब हम बात करेंगे कि ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग कितने तरह का होता है। टू टाइप्स,